हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए तो आज से हम लोग क्लास ट्वेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल। थोड़ा अलग टाइप का आप लोग को दिख भी रहा होगा। ये देखो, इससे पहले कि ये चैप्टर हम स्टार्ट करें, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है ये आपके ट्वेल्थ के एकेडमिक्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ अगर आप जेई मेन्स या जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पिछले तीन साल चार साल के पैटर्न से ये चैप्टर ना एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री हो गया है। 3 से 4 सवाल पूछा जा रहा है ना बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से। वहीं अगर नीट वाले जो स्टूडेंट होंगे, आपको तो पता है ये चैप्टर आपके केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में भी है, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके लिए। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे और जितनी चीज़ें हम कवर करेंगे उसको बस आप एक प्रॉपर नोट्स में रख लीजिए, कहानी ख़त्म। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें ये लेक्चर 1 है, पार्ट 1 है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में समझिएगा कि बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, सेल्स को बिल्डअप करने के लिए एक इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यही बायोमॉलिक्यूल्स के कारण जो हमारे सेल्स होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं, उनका ग्रोथ, उनका मेंटेनेंस, इनफैक्ट जो रिप्रोडक्शन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस भी हैं, वो सारी चीज़ें बायोमॉलिक्यूल्स पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये थे बायोमॉलिक्यूल्स। अब जान लीजिए कि बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने के लिए हमको बायोकेमिस्ट्री जानना है। एंड व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? तो बायोकेमिस्ट्री को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, एक बायो ऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक का हमको कोई एक्सेस पढ़ाई करनी ही नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है वो। मेन पार्ट है बायो ऑर्गेनिक, और इस बायो ऑर्गेनिक में कौन कौन से इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिनको हमको डील करना है इस बायो मॉलिक्यूल के चैप्टर में। तो फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज़ अमाइनो एसिड और प्रोटीन, वो डबल लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड, इसी से आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड आपको यहाँ बढ़ने रहेंगे। लिपिड, विटामिन एंड हारमोन्स, ठीक है। इधर न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड के दौरान आप डीएनए, उसके स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, ये सारी बातों को भी डील करेंगे। तो बहुत ही वर्सेटाइल चैप्टर है और हमारा आज का फोकस रहेगा कार्बोहाइड्रेट पे, ठीक है। तो चलिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्लाइड थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो इसके बारे में समझ लेना कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली शुगर होते हैं, ठीक है। ऐसे शुगर जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन से बनते हैं, ऐसे शुगर जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन से बनेंगे, दैट मींस कि उसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो तो एल्डिहाइड या कीटोन रहेंगे, बट मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें प्रेजेंट रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम सारी चीज़ों को धीरे धीरे देखते चले जाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली रिफर्ड एज शुगर एंड स्टार्चेस विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और कंपाउंड दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड एंड देन दे आर जनरली ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। बस इतना बात समझना कि कार्बोहाइड्रेट अपने आप में क्या है, शुगर है जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप से लिंक्ड है, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप से लिंक्ड है, पॉलीहाइड्रोक्सी शुगर, ओके, दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी शुगर एंड बेसिकली दे आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, ओके। अब ये कैसे हैं, इनके जनरल फार्मूला क्या होती हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, दैट इज CXH2OY। मतलब अपने आप में कार्बोहाइड्रेट जो रहेंगे वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने बात किया ग्लूकोज की, मैंने किसकी बात किया, ग्लूकोज की, तो यू नो फार्मूला C6H12O6। तो ग्लूकोज हम सबको पता है, ग्लूकोज अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है। क्यों कार्बोहाइड्रेट है? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है क्या होता है, CXH2OY। NCERT के बुक में भी आप लोग देखेंगे ये जनरल फार्मूला दिया हुआ है। तो ये अपने आप में देखिए, तो C6H2O6 से रिलेटेड है,
जहां एक्स और वाई सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये इस जनरल फॉर्मूले को ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए ग्लूकोज अपने आप में क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। पर प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि इस जनरल फॉर्मूले को ओबे करने वाले सब्सटेंसेस भी कार्बोहाइड्रेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने मान लिया एसिटिक एसिड लिया, दिस इज आवर एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो C2H2O 2 करके आएगा, साफ दिख रहा है, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो इसने तो इस जनरल फॉर्मूले को ओबे किया, बट आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉट कार्बोहाइड्रेट। तो हर कार्बोहाइड्रेट अपने आप में इस फॉर्मूले को ओबे करे ऐसा जरूरी नहीं है। या कई बार ऐसे होते हैं कि केमिकल्स ऐसे आते हैं जो ये फॉर्मूला ओबे करते हैं पर कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, हमेशा वैलिड हो इसकी कोई फिक्स गारंटी नहीं है। इज दैट क्लियर? अब चलिए, कई बार ऐसे भी होते हैं कुछ कंपाउंड, जैसे मान लीजिए रेमिनोज है, ठीक, C6H12O5, ये इस फॉर्मूले को ओबे नहीं कर रहा है, बट इसके बावजूद भी ये अपने आप में एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कई बार यही बातें मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये एक जनरल फॉर्मूला है, कुछ कंपाउंड इसको ओबे करे तो कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे, कुछ कंपाउंड इसको ओबे ना करे तब भी, जैसे रेमिनोज का एग्जाम्पल था, ये कार्बोहाइड्रेट है बट इस फॉर्मूले को ओबे नहीं कर रहा है। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड आते हैं लाइक एसिटिक एसिड जो इस फॉर्मूले को तो ओबे करते हैं बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो यहां तक की बातें मुझे लगता है बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गई। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है ये बात क्लियर है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है ये भी बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों इनके टाइप पढ़ने कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप में क्लासिफाइड हैं। देख लीजिए, ये सारी बातें वही लिखी हुई थी कि रेमिनोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट वो जनरल फॉर्मूले को ओबे नहीं कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लेना कि कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर हाउस ऑफ केमिकल एनर्जी। मतलब हमारी बॉडी को जो एनर्जी का इसेंशियल पार्ट है, मेजर पार्ट है हमारे बॉडी में एनर्जी का, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ केमिकल एनर्जी बोलते हैं। एंड दे आर सिंथेसाइज्ड इन ग्रीन प्लांट एंड एल्गी बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब जनरली कार्बोहाइड्रेट कहाँ बनेगा, तो ग्रीन प्लांट या एल्गी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जनरेट होता है, जो फूड चैन के थ्रू हम में या किसी भी एनिमल में एक्सचेंज होते रहता है। ठीक है, अब जैसे समझिएगा ये बात को, जैसे हम लोग को पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट या क्लोरोफिल जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है। याद रखना, ये कई बार ये सवाल पूछा हुआ है कि क्लोरोफिल में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो दैट इज मैग्नीशियम। ओके, और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस, जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है और फाइनली क्या बनता है, ग्लूकोज। ये क्या जो फॉर्मेशन हुआ, ये किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, ये हमारा बना है प्यारे बच्चों, दैट इज ग्लूकोज। ठीक, प्लस वो ऑक्सीजन अलग से रिमूव होता है, सबको पता है फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट होते हैं ऑक्सीजन रिमूव करते हैं और ये ग्लूकोज बनाते हैं। यही ग्लूकोज हमारे बॉडी में, मतलब जो एनिमल्स हैं, अपने आप को एनिमल तो बोलना थोड़ा बुरा लगता है ना, पर मान लो जो हमारा बॉडी है तो वो इसी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है और एनर्जी रिलीज होती है, और फर्दर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब ये एक टाइप का समझ लीजिए कि रिवर्सिबल टाइप का साइकिल हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में इसके जुड़ने से ग्लूकोज बन रहा है और एनिमल्स में या ह्यूमंस में ये ग्लूकोज डिसोसिएट होके फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये ऊपर का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, नीचे का प्रोसेस मेटाबॉलिज्म। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट आर सॉल्युबल इन वाटर बट साइलेंटली सॉल्युबल या स्प्रिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऐसे नॉर्मल फैक्चुअल पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट वाटर में तो अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन हो गया या इथर हो गया, ऐसे सॉल्वेंट्स में थोड़े से लेस सॉल्युबल होते हैं। अब
कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें मैंने एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट्स को ही कवर किया है। तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखते चलिए, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप ना बेसिक यूनिट्स के स्ट्रक्चर आप लोग को ध्यान में रह जाए तो। ठीक है, हम इन स्ट्रक्चरों पे फोकस करते नहीं हैं, हम सीधे सीधे बड़े बड़े ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शन पढ़ने लगते हैं, फ्रक्टोज पढ़ने लगते हैं, उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर जानने चले जाते हैं, तो दिक्कत होगा क्योंकि ये चैप्टर उतना भी इजी नहीं है। पर हाँ, आपको जितनी चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ समझते जाइए, साथ में खूब मज़ा आएगा। तो देखिए, सब इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट लिया हूँ, और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं इसमें एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट लिया हूँ, और वो भी मोनोसेकेराइड टाइप का। मोनोसेकेराइड का मतलब ऐसा है जिसके हाइड्रोलिसिस से वो फर्दर डिसोसिएट ना हो, मतलब और सेकेराइड यूनिट में डिसोसिएट ना हो। जैसे डाइसेकेराइड जो होते हैं ना, उनकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो दो अलग अलग मोनोसेकेराइड में टूटेंगे। मोनोसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो किसी और ज़्यादा स्मॉल सेकेराइड्स यूनिट में नहीं टूट पाएगा। क्लियर है? सेकेराइड का मतलब समझ लेना, शुगर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पढ़ो, समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये ग्लिसरेल्डिहाइड है, सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आता है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही ये एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होने चाहिए विथ पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। तो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब दो कार्बन पे तो OH आना ही चाहिए एटलीस्ट, और एक पे क्या आया, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड। तो ये थ्री कार्बन मेंबर में जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है और एल्डिहाइड भी है, मतलब ये अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड। नाम याद रहेगा सबको, ग्लिसरेल्डिहाइड, थ्री कार्बन। देन एराइथ्रोज आएगा, इसमें प्यारे बच्चों फोर कार्बन हो जा रहे हैं, बस एक OH को आपने और बढ़ा दिया। फिर आएगा आपका राइबोज, राइबोज शुगर, नाम भी सुना होगा आपने। तो राइबोज शुगर में एक और CH2OH बढ़ गया, मतलब आप देख पा रहे हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। थ्री कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, फोर कार्बन, फाइव कार्बन, इज दैट क्लियर? राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, सारे OH क्या रहते हैं, राइट साइड रहते हैं, ऊपर CHO, नीचे CH2OH, हर बार CH2OH और ऊपर में CHO लगना है, चाहे वो किसी भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट हो। अगर एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट है तो टॉप पे CHO और बॉटम में CH2OH आएगा ही आएगा, बस ये जो OH और H का जो लोकेशन है ये कई बार लेफ्ट राइट करते रहता है, और इसी से डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म जनरेट होते हैं। तो वो धीरे धीरे हम चीज़ों को समझते जाएंगे, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ बच्चों, कि जो कार्बन की नंबरिंग होगी वो हमेशा टॉप से होगी, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप से, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर होता है उसमें एल्डिहाइड अल्कोहल पे डोमिनेट करता है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड दैट इज फिफ्थ कार्बन। ये है राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर। तो मैंने 2, 3, 4 को कवर किया, अब आ जाते हैं 5 मेंबर और 6 मेंबर वाले रिंग में। तो चलिए देखिए, राइबोस क्या था, एक एल्डिहाइडिक 5 मेंबर वाला कार्बोहाइड्रेट था, और एक है राइबुलोज, ये कीटोनिक 5 मेंबर वाला कार्बोहाइड्रेट है। यहां देखो कीटोन ग्रुप आया है, सिंपल नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, ये कार्बन यही अटैच है बच्चों, थोड़ा बाहर निकल गया है, 3, 4, 5, 5 कार्बन वाला एल्डिहाइडिक सुगर राइबोस, 5 कार्बन वाला कीटोनिक सुगर राइबुलोज, सिंपल। और ये है आपका वन ऑफ द फेवरेट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जिसमें कितने कार्बन आते हैं, 6 कार्बन आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दैट वाज 6th कार्बन। इसमें याद रखिएगा कि CHO के रिस्पेक्ट में जो OH ग्रुप है ये सब राइट साइड आ रहा है, बस एक OH ग्रुप कहाँ आता है, लेफ्ट में आता है, बाकी सारे OH ग्रुप कहाँ आते हैं, राइट में आते हैं, सिंपल। इस टाइप के ग्लूकोज में जिसमें OH ग्रुप CHO के बाद वाला या CH2OH के बाद वाला अगर राइट साइड आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, क्योंकि आपने पढ़ रखा था हर कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट अपने आप में क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं, मिरर इमेज बना सकते हैं, किरल कार्बन शो करेंगे। तो देखो ना, किरल कार्बन तो आ रहा है ना, स्टीरियो सेंटर्स भी आ रहे हैं, दैट्स वाई दे आर ऑप्टिकल एक्टिव इन नेचर।
राइट साइड OH आया तो डेक्स्ट्रो, यही इसी का मिरर इमेज बना दूंगा, OH लेफ्ट साइड आने लगेगा, लीवर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है, सिक्स मेंबर एल्डिहाइडिक शुगर इज नोन एज ग्लूकोज एंड सिक्स मेंबर कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज फ्रक्टोज। दोनों के केमिकल फॉर्मूला सेम होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला कितना हुआ, तो आप सबने देखा कि फ्रक्टोज का केमिकल फॉर्मूला, एक मिनट यही कलर लेते हैं, C6H12O6 ही होना है, और ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला भी C6H12O6 ही होना है। फर्क बस इतना है कि ग्लूकोज एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट है और फ्रक्टोज एल्डिहाइडिक पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट, कीटोनिक पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट है, इतना सा फर्क है, बाकी केमिकल फॉर्मूला सेम। तो ये बेसिक से जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप लोग कॉपी में जरूर नोट करके रखना, क्योंकि इन सिंपल स्ट्रक्चर्स पे ना आगे चल के पूरी कहानी में फर्क आएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, हमने 3, 4, 5, 6 मेंबर सबके कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो एल्डिहाइडिक थे चाहे कीटोनिक थे, कवर किए। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्दर क्लासिफाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसी बिहाफ पे मैंने पहले ही बोल दिया था, एक आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आएगा, दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आएगा। अभी अभी आपने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर देख रखे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में आपने ग्लिसरल्डिहाइड देखा, एराइथ्रोज देखा, अपना ग्लूकोज आया, राइबोज शुगर आया, और जब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की बात करोगे तो राइबुलोज और फ्रक्टोज स्ट्रक्चर दिमाग में आने चाहिए। जितने भी नाम हमने यूज़ किए सबके स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में आ गए ना, तो मतलब आप सही जा रहे हैं। नहीं आ रहे तो आप उसको वीडियो को वापस से जाके देखिए, स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है इस पर काम करते रहिए, बहुत काम आसान हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, इस पॉइंट को भी थोड़ा समझिएगा। फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे कार्बोहाइड्रेट का दो क्लासिफिकेशन हुआ, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। दूसरा होता है उसके रिड्यूसिंग नेचर के बिहाफ पे। तो रिड्यूसिंग नेचर के बिहाफ में पहला तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर आता है, जिसमें केवल नॉर्मल शुगर ही आ पाता है हमारा, और दूसरा हमारा रिड्यूसिंग शुगर आता है जिसमें सारे मोनोसेकेराइड आएंगे। सारे मोनोसेकेराइड का मतलब यही है, जितने भी अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया ग्लिसरल्डिहाइड का, एराइथ्रोज का, अपना राइबोज का, राइबुलोज का, ग्लूकोज फ्रक्टोज, सारे के सारे मोनोसेकेराइड आपके क्या होने वाले हैं, रिड्यूसिंग शुगर हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको एज अ ट्रिक आप ऐसे ही याद रखेंगे, ऑल मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर रिड्यूसिंग शुगर। इसमें बस एक्सेप्शन के तौर पे डाइसेकेराइड के केवल दो ग्रुप जुड़ते हैं, एक आपका माल्टोज जुड़ता है और दूसरा आपका लैक्टोज जुड़ता है। माल्टोज एंड लैक्टोज एग्जाम्पल में जरूर से लिखा गया है, बट दे आर डाइसेकेराइड यूनिट, और ये डाइसेकेराइड की बस दो ही एग्जाम्पल है जो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एक्सेप्ट दिस, जितने भी ट्राइसेकेराइड होंगे, टेट्रासेकेराइड होंगे, वो सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर में चले जाएंगे। मतलब रिड्यूसिंग शुगर कैसे याद रखना है, ऑल मोनोसेकेराइड यूनिट जिनके स्ट्रक्चर आपने देख रखे थे, जिनको फर्दर हाइड्रोलिसिस करके कुछ नया नहीं बनाया जा सकता, और दूसरा था डाइसेकेराइड से माल्टोज और लैक्टोज। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इन सबके स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाते जाऊंगा, माल्टोज कैसा बनता है, लैक्टोज कैसा बनता है, सब कुछ काफी डिटेल में होगा। और वीडियोस अगर आप लोग पूरी इस चैप्टर के सीक्वेंस को अगर अरेंज किए, नोट्स बनाए, तो यकीन मान लीजिए इंडिया का कोई एंट्रेंस का ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता ना जिसके सवाल आपसे ना लगे, ठीक है। इनफैक्ट इस वीडियो के बीच में ही हम लोग पूरे के पूरे नीट, पूरे के पूरे एडवांस तक के क्वेश्चन हम लोग डील कर लेंगे। बोर्ड तो रहने ही दीजिए, वो तो बहुत ईजिली डील हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर आपने क्लासिफाई किया शुगर और नॉन शुगर में, मतलब रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर था मैंने पहले ही बता दिया था प्यारे बच्चों, वो लोग क्या थे हमारे, पॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं, ठीक है। जो शुगर है उसमें मोनोसेकेराइड यूनिट लेंगे और ओलिगोसेकेराइड लेंगे। मोनोसेकेराइड में आपको पता है कि ये फर्दर अंडरग्रो हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा। ये एग्जाम्पल में आप एल्डोज शुगर लेंगे, कीटोन शुगर लेंगे। एल्डोज शुगर में मैंने अभी अभी आपको दिखा दिया था, ग्लिसरल्डिहाइड था हमारा, राइबोज शुगर था, ग्लूकोज शुगर था, ये सारे एराइथ्रोज शुगर था, और वही कीटोनिक में क्या आया था, फ्रक्टोज आया था, जिसको फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं।
ये जो फलों में मीठापन होता है किसके कारण होता है, तो याद रखना फ्रक्टोज, जो कि एक कीटोनिक शुगर है। और साथ ही साथ में आप लोग राइबुलोज को देखे थे, बोथ आर कीटोनिक शुगर। ओके, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में कार्बन नंबर 2 से लेकर 10 तक के यूनिट होते हैं। ये कार्बन का नंबर दिया है, जिसमें आप लोग डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड जैसे यूनिट्स को कवर करेंगे। ओके, जो नॉन शुगर है इसमें कार्बन नंबर 10 से ज्यादा यूनिट पाए जा सकते हैं। ओके, जिसमें आप होमो पॉलीसेकेराइड और हेट्रो पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, पॉलीसेकेराइड हम पढ़ेंगे, बेशक पढ़ेंगे, बट उसके बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन लगेगा, तो उतना तो मैं ज़रूर करा ही दूंगा। ये मगर इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, उनके यूनिट और उनके क्या क्या हाइड्रोलिसिस के बाद कंपाउंड बनते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपने नोट करनी है, जल्दी से नोट कर लीजिए कि कार्बन नंबर 2 से 10 तक को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओलिगोसेकेराइड, और 10 से ज़्यादा हो गया तो पॉलीसेकेराइड। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कार्बन नंबर 2 से 10 का मतलब ये है, सॉरी, ओलिगोसेकेराइड में कार्बन नंबर 2 से 10 नहीं, हाइड्रोलिसिस होने के बाद कंपाउंड के 2 से 10 डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, नॉट कार्बन नंबर, एक बार मैं करेक्ट कर रहा हूँ खुद को। जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, अगर 2 यूनिट मिला तो वो डाइसेकेराइड, 3 यूनिट मिला मतलब 3 डिफरेंट कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ट्राइसेकेराइड, 4 यूनिट मिले, टेट्रासेकेराइड। तो 2 से 10 तक के मॉलिक्यूल्स या 2 से 10 तक के कंपाउंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये रिलीज करते हैं, अगर उससे ज्यादा करने लगे तो पॉलीसेकेराइड में आ जाएंगे। चलिए, इसमें नोट करके कुछ पॉइंट दिया हुआ है, कुछ मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के कुछ एग्जांपल्स हैं प्यारे बच्चों, देख लीजिए। मोनोसेकेराइड में मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया था, ग्लूकोज, राइबोज, ग्लिसरेल्डिहाइड, फ्रक्टोज, सारे के सारे मोनोसेकेराइड शुगर हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ओके, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है, माल्टोज और लैक्टोज ये डाइसेकेराइड है, याद रखना। ठीक है, बाकी ओलिगोसेकेराइड देखोगे तो सुक्रोज आएगा, लैक्टोज आएगा, माल्टोज आएगा। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, इन सब का स्ट्रक्चर ना आप समय के साथ सीखते जाएंगे, भरोसा रखिए। बस ये साथ में नोट करते जाइए, क्योंकि ना कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना इस पे सवाल पूछता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, नोट नंबर 2। अब ये मैं लिस्टिंग करा दे रहा हूँ कि डाइसेकेराइड शुगर में क्या खास बात होती है, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि डाइसेकेराइड शुगर का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे कम से कम 2 सेम और डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट जनरेट होगा। नाम ही है डाइसेकेराइड, मतलब 2 मोनोसेकेराइड बनाएगा। ट्राइसेकेराइड आता तो 3 मोनोसेकेराइड यूनिट बनाता, जो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सुक्रोज है, फॉर्मूला याद रखना C12H22O11, इसको आप लोग शुगर भी बोल सकते हो। हाइड्रोलिसिस किया एसिडिक मीडियम में तो ग्लूकोज बना और फ्रक्टोज बना, दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अभी अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखो, ऊपर CHO, नीचे CH2OH, फिर CHO एक CH राइट में OH, फिर बीच वाला जो कार्बन का जो होता है वो, मतलब कार्बन नंबर 3 में, उसका OH लेफ्ट में रहता है, बाकी नीचे के और कार्बन 4, कार्बन 5 के OH भी कहाँ रहेंगे, राइट में रहेंगे। ठीक है, और फ्रक्टोज तो आपने देख लिया था, कीटोनिक शुगर था। माल्टोज, अगेन दिस इज अ डाइसेकेराइड यूनिट, हाइड्रोलिसिस माल्टेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, और यहाँ पर केवल क्या बनता है, तो याद रखना माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से केवल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया था, 2 सेम और डिफरेंट मोनोसेकेराइड ऑप्टेन हो सकते हैं। यहाँ देखिए सुक्रोज के केस में ग्लूकोज, फ्रक्टोज डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट बन रहे हैं, बट माल्टोज के केस में आप देख रहे हैं कि केवल वो केवल क्या बन रहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब सेम टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट जनरेट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ये पॉइंट याद रखते जाना, माल्टोज के केस में केवल क्या बनता है, ग्लूकोज, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वहीं जब आप लैक्टोज शुगर लेंगे उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तब ग्लूकोज बनता है और गैलेक्टोज बनता है। ठीक है, फॉर्मूले तीनों के सेम है, चाहे ग्लूकोज का, चाहे फ्रक्टोज का, चाहे गैलेक्टोज का।
है ये मोनोसेकेराइड यूनिट। किससे क्या बनता है इस पे कई बार आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते आए हैं एंट्रेंस एग्जाम में, इस पे जरूर से क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये याद रखना है कि माल्टोस से केवल ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बनेंगे, लैक्टोज से आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा। ठीक, वहीं पर अगर ट्राइसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल देखने होंगे प्यारे बच्चों तो देख लीजिए। इसके हाइड्रोलिसिस से नाम से ही क्लियर है ट्राइसेकेराइड, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस थ्री मोनोसेकेराइड यूनिट को रिलीज करेगा, चाहे वो सेम हो सकते हैं या वो अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेफिनोज है, इतना बड़ा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, रटना नहीं है, बस जान लेना रेफिनोज के हाइड्रोलिसिस से क्या क्या बनता है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, तीनों के तीनों ही मोनोसेकेराइड जनरेट होते हैं। टेट्रासेकेराइड फोर मोनोमर यूनिट या फोर मोनोसेकेराइड रिलीज करेंगे आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ग्लूकोज भी बना, फ्रक्टोज भी बना और टू मोल्स ऑफ गैलेक्टोज बना। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे बड़े सारे एग्जाम्पल होते हैं। आप पॉलीसेकेराइड अगर लेना चाहो, ठीक है, ये शायद स्टाइकोज बोलते हैं इसको, स्टार्च और सेल्यूलोज को ले सकते हो, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इसके भी एन मोल कर लो, यहां भी एन मोल लगा दी, अरे सॉरी, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं टू और थ्री एटीएम के प्रेशर पर, तो उससे एन मोल्स ऑफ क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बना था, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से, हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जब मैं पढ़ता था तब भी कंफ्यूज होता था मैं भी, कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से केवल ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड, बट जो स्टार्च है या सेल्यूलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड है, और स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से कोई फ्रक्टोज नहीं बनता, केवल क्या बनता है, एन मोल्स ऑफ ग्लूकोज, जो मोनोसेकेराइड यूनिट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एसेंशियल पार्ट हैं, आपको एकदम दिमाग में रखने हैं प्यारे बच्चों। तो यहां तक हमने अभी तक कार्बोहाइड्रेट जाना, उसके टाइप जाने, उनके स्ट्रक्चर जाने, और कौन से सेकेराइड, मतलब रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो जाने ही जाने, ठीक है, कौन से सेकेराइड के डाइसेकेराइड ट्राइसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से जो मोनोसेकेराइड यूनिट बनता है, क्या क्या बनता है, किस केस में, वो सारी चीजें अच्छे से डील की हैं। आप इसका नोट्स जरूर बनाते चलना। अब चलो आ जाओ हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पर आएंगे। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ मोनोसेकेराइड में लिया जाता है, और ये मोनोसेकेराइड है तो फर्दर हाइड्रोलिसिस करने से किसी फर्दर सेकेराइड यूनिट में डिसोसिएट नहीं हो सकता। और हमारे बॉडी का तो बोले ना एनर्जी स्टोर हाउस है, ये एनर्जी हाउस है। ठीक है, सिंपल शुगर भी बोल सकते हो। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो, ऊपर एल्डिहाइड, नीचे CH2OH, ये नंबर वन कार्बन हो गया, ये नंबर वन कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन है, दिस इज थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। क्लियर हो रही है बातें? जो फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे OH कहाँ है, राइट में, बस थर्ड कार्बन पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। थर्ड कार्बन का OH बच्चों ग्लूकोज में कहाँ आ जाता है, लेफ्ट में। रेस्ट सारे कार्बन के OH कहाँ आएंगे, राइट में। क्लियर है? इसी का अगर मैं मिरर इमेज जनरेट कर दूं, तो मिरर इमेज में जो राइट में है वो चीजें लेफ्ट में आ जाएंगी, लेफ्ट वाली चीजें कहाँ आ जाएंगी, राइट में आ जाएंगी। तो जब CHO के रिस्पेक्ट में जो राइट वाला OH था, या यहां से भी देखो राइट में जब OH लगे रहता है तब हम उसको बोलते हैं डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर है, और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में आप सबको पता है कि हर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दो टाइप का होता है, एक डी फॉर्म, दूसरा एल फॉर्म, मतलब डेक्स्ट्रो फॉर्म और दूसरा लीवो फॉर्म, और म्यूचुअली बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है और ये उसका डेक्स्ट्रो फॉर्म है, राइट साइड OH आया है, अगर यही OH लेफ्ट साइड आ जाए तो उसको आपको नाम देना है लीवो फॉर्म। तो ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर और उसके दोनों टाइप मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ग्लूकोज से इसमें मैं चाहे तो एक दो चीजें और आपको ऐड करा देता हूं, चलिए ध्यान देंगे, इसको हटाता हूं मैं। अभी आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो याद हो ही गया होगा, ऊपर में क्या करना है बच्चों, CHO रखना है, फिर पहला OH कहाँ रहेगा, मतलब कार्बन नंबर टू का OH राइट में, कार्बन नंबर थ्री का OH कहाँ रखना है, लेफ्ट में, बाकी कार्बन फोर कार्बन फाइव के OH अगेन कहाँ आएंगे, राइट में आएंगे।
फोर फाइव हो गया, एंड लास्ट में कौन है हमारा CH2OH, दिस इज CH2OH, ठीक है। ये क्या है, डी ग्लूकोज। क्यों डी ग्लूकोज नाम दिया, समझ में आ गया। एक काम करेंगे हम लोग, ये जो डी ग्लूकोज हमारा बना है इसमें अगर मैं केवल इस कार्बन को पकड़ूं और इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, मतलब मैं पूरा मिरर इमेज नहीं बनाने जा रहा, केवल इस कार्बन का ओरिएंटेशन अगर मैं चेंज कर दूं तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहां बनाता हूं उस स्ट्रक्चर को ऐसा, थोड़ा इसका कलर में जानबूझ के चेंज कर दिया क्योंकि कंपाउंड अब डिफरेंट होने वाली है, ठीक। ये CH2OH हो गया, यहां का OH हमने कहां लगा दिया, लेफ्ट साइड में, बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम, बाकी जो जहां है जैसा है वैसा ही रहेगा। ये पहले से लेफ्ट में था, अभी भी लेफ्ट ही में है, ये राइट में था, अभी भी राइट में है OH, यहां का भी राइट में है, अभी भी राइट में है। तो ये कंपाउंड कहलाता है डी मैनोज, ये क्या कहलाएगा, डी मैनोज। मतलब आज समझना, कई बार ये सवाल पूछता है कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज में क्या सिमिलैरिटी है, तो यहां पर आप एक बात समझ पा रहे हो कि इसमें कुछ जो किरल सेंटर है उनका रोटेशन क्या है, सेम है, और कुछ का क्या हो जा रहा है, अपोजिट। तो ऐसे केस में जो हमारा कंपाउंड बनता है वो होता है एपीमर कंपाउंड, क्योंकि केवल यहां पर एक ही जगह का अपोजिट हुआ ना, बाकी सारे के सारे जो कॉन्फिगरेशन है वो क्या है, सेम, कुछ अपोजिट कुछ सेम रहता तो डाइस्टियोमर कहलाता, बट वन अपोजिट रेस्ट ऑल आर सेम, इसलिए ये लोग क्या है, एपीमर है। तो ग्लूकोज और डी मैनोज आपस में क्या है, एपीमर होते हैं, कौन से कार्बन पे, तो ये कार्बन नंबर वन था, ये कार्बन नंबर टू था, तो ये इसीलिए इसको हम लोग सी टू एपीमर के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, यहां लिख लीजिए सी टू एपीमर। पूछा हुआ सवाल है ना कि ग्लूकोज का एपीमर मैनोज कौन से कार्बन पे होता है, तो सेकंड कार्बन पे, सी टू एपीमर कहलाता है। और आगे पढ़ने, अब ध्यान दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डी ग्लूकोज के, तो पहला है इट इज अ मोनोसेकेराइड टाइप कार्बोहाइड्रेट जो कि एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, प्ले प्रोमिनेंट रोल इन बायोमोलिक्यूल्स, पहले ही बोला गया है कि ग्लूकोज से ही एनिमल बॉडी का पूरा एनर्जी डिपेंड करना है ना, ठीक है। ओमनीप्रेजेंट फ्यूल इन बायोलॉजी, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस के तौर पे आप ग्लूकोज को लेंगे, ठीक है, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज को। और जो स्टोरेज ऑफ डी ग्लूकोज है इन बायोपॉलीमर, ये सब कुछ उसके इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स है, नथिंग एल्स। आ जाइए यहां, समझिए यहां आपका डी ग्लूकोज है जो किससे बनता है, स्टार्च से। सबने देखा था कि स्टार्च और सेलुलोज के हाइड्रोलिसिस से केवल क्या जनरेट होता है, ग्लूकोज, बट सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या जनरेट होता है हमारा, ग्लूकोज भी फ्रक्टोज भी। ये बातें अभी आपने पकड़ी थी ना, ठीक है। तो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से आप डी ग्लूकोज बनाएंगे और वही डी ग्लूकोज बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। यही ग्लाइकोजन है, क्या है, एनिमल स्टार्च है, ठीक है। यही ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में बनता है ना, उसी से तो एनर्जी पा रहे हैं हम लोग। तो एनिमल स्टार्च है, स्टोर्ड इन लीवर, हमारे जो बॉडी का लीवर है उसमें स्टोर रहेगा ग्लाइकोजन। बायो वाले तो काफी डिटेल में इसको पढ़े ही होंगे। ये पूरा रिवर्सिबल चलते रहता है, डी ग्लूकोज सेलुलोज, सेलुलोज डी ग्लूकोज, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो डी ग्लूकोज इज इंटरकन्वर्टेबल इन स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, इंटरकन्वर्टेबल टाइप का ये प्रोसेस चलता है, ठीक। मतलब ये आपस में सेलुलोज से डी ग्लूकोज से वापस सेलुलोज, सेलुलोज ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से वापस फर्दर ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग को डील करना है, और ये ही है मेन हमारे नीट और जेई का सेक्टर। एक एक लाइन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए जैसा सिखाऊंगा उसको आप लोग को पूरी तरह से डील करना है, ठीक है। और एक कंप्रेस नोट में मैप चार्ट बना के सारी चीजें इतनी खूबसूरती से डील कर रहा हूँ, नोट्स में आप लोग जरूर बनाइए। और वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा ग्लूकोज, ठीक, ये है भैया हमारा ग्लूकोज। अब तो स्ट्रक्चर देख के ही समझ जाते होगे ना, क्योंकि स्ट्रक्चर पे काम तो करना है, बिना स्ट्रक्चर पे काम किए ना चैप्टर में आगे ना टफ होते जाएगा चैप्टर।
अगर इस ग्लूकोज का मैंने 5 टाइम PCL5 से अटैक कराया तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ OH है ना, जहाँ जहाँ OH है वहाँ पर आप लोग CLCL ला के जोड़ देना। तो 5 PCL5 था तो चार तो यही वाले सिस्टम के हो गए और एक नीचे भी OH है, पांच हमारे पास OH से ना ग्लूकोज में, तो बस चार ये और एक नीचे CL बन गया, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। ठीक है, सिंपल सा है। HI के साथ आपको हीटिंग करनी है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन IIT मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नीट में कब आया था वो तो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, बट ये आ चुका है, दो बार आ चुका है नीट में, कि जब HI के साथ आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो समझ लेना कि ये एक रिडक्शन प्रोसेस होने वाला है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाता है, उसके जगह पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आके जुड़ जाता है, हाइड्रोजन एटम। तो बस वही हुआ, जहाँ जहाँ OH थे उसकी जगह पे HH ला के जुड़ते जाओ तो ये सब रिड्यूस हो गए और सीधे सीधे हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिला, एल्केन। क्या मिला, 6 मेंबर का एल्केन, सारे के सारे एल्डिहाइड अपने एल्कोहल सब एक बार में रिड्यूस हुए, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेंस में नीट में आ चुका है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, जितने भी रिएक्शंस हैं ये सारे रिएक्शन कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। अगर यही ग्लूकोज का रिएक्शन प्यारे बच्चों, ये थर्ड रिएक्शन है, ये हमारा सेकेंड रिएक्शन था, ये सेकेंड था, ये थर्ड है। एसिड क्लोराइड के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन करेंगे, 5 मोल एसिड क्लोराइड, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे PCl5 से रिएक्शन करने पे OH को हटा के CL जुड़ जा रहा था, वैसे ही यहां पर मान लीजिए ये HCl हट जाएगा, वहां पर ये पूरा पार्ट जाके अटैच होते चले जाएगा, तो 4 वहां पर और बाकी के जो बच गए, सॉरी ये C को यहां रखना ना, यहां C लगा है, बाकी COCH3। जैसे CLCL आके जुड़ा, यहाँ पर ये वाला पार्ट जा जाके जुड़ते जाएगा, सिंपल सा केस है। ठीक, नेक्स्ट में आ जाते हैं, मतलब हमारा है फर्दर, फिर से ये क्या हो गया, ये है आपका ग्लूकोज, इसका रिएक्शन कराना है, किसके साथ कराना है, तो याद रखेंगे इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं NH2OH के साथ, मतलब यहाँ पर है H2, इसको उल्टा लिख रहा हूँ NOH। होगा क्या, तो ये जो आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, ये एल्डिहाइड कैसे दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच, बाकी ये जो नीचे पूरा जुड़ा हुआ है ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है, जब NH2OH के साथ आप अटैक करते हो ना, तो यहाँ का H2, यहाँ का वो वाटर निकल गया, जैसे ही वाटर निकला ये डबल बॉन्ड से कौन कनेक्ट हो जाएगा, NOH, कहानी खत्म, बाकी जो OH जैसे थे वैसे ही है, बस आपको क्या मिल गया, ग्लूकोज ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन भी पूछा जा चुका है इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हाइड्रोजन साइनाइड से अगर अटैक करेगा तो हाइड्रोजन साइनाइड से अटैक करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, जो यहीं पर बता दे रहा हूँ, चलिए इसमें ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हाइड्रोजन साइनाइड से अटैक करना था, तो ये था मेरा ग्लूकोज, ओके, ये ग्लूकोज है, लास्ट में CH2OH। जब ये HCN से अटैक करेगा, ठीक, हाइड्रोजन साइनाइड से, तो आपको पता है H पे क्या चार्ज आता है, प्लस, साइनाइड पे क्या आएगा, माइनस। यहां पर जब ये बॉन्ड डिसोसिएशन करोगे तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस। आपको करना कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां का प्लस O माइनस पे जाके अटैक करेगा और सी एन माइनस इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, तो कुछ नहीं, सिंपली आप लोगों को प्रोडक्ट दिखेगा कि इस कार्बन पे ओ के पास कौन चले गया, एच प्लस, और सी के पास कौन चले गया, सी प्लस के पास कौन चले गया, साइनाइड ग्रुप सी एन माइनस, बाकी एक हाइड्रोजन पहले से यहाँ पर अटैचमेंट में था ही, और रेस्ट जो जैसा था आपको वैसे ही का वैसा ही डिक्टो सेम रखना है। ठीक, बन गया आपका ग्रुप। तो हाइड्रोजन साइनाइड से कैसे अटैक होगा, कैसे क्या प्रोडक्ट बनेगा, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें एक एक लाइन की जो चीज़ें हैं ना, आप लोग अगर नीट और जेई के क्वेश्चन खोल के देखोगे प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको समझ में आएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज पे ही क्वेश्चन अटैक हुआ है, और जितना मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ इससे बाहर ना पूछा है ना पूछेगा। ठीक है, तो कैसे प्रोडक्ट बन गया, होप सो आपको समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, साथ में नोट करते रहेंगे सब लोग।
आप देखिए पूरा ग्लूकोज का ही रिएक्शन हो रहा है। ग्लूकोज का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो सबको पता होती है ये बात, या नहीं पता है तो चलिए इस बात को याद रख लेंगे सब लोग, इसको हटा रहे हैं, कि अगर प्यारे बच्चों मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं तो हमेशा याद रखना अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आपको मिलता है एल्डिहाइड या कीटोन। इस बात को एकदम एज अ ट्रिक याद रख लेना, कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं, और उनका अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूं तो हमें फाइनली क्या मिलता है, एसिड मिलता है। क्या मिलता है? एसिड मिलता है। सेम यही प्रोसेस रिवर्स भी हो सकती है, एसिड के या एस्टर के रिडक्शन से आपको एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन के फर्दर रिडक्शन प्रोसेस से आपको क्या मिल सकता है, अल्कोहल मिल सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप सबको पता है कि ग्लूकोज का जो टॉप का कार्बन है, नंबर वन कार्बन, वो एल्डिहाइड है। आप अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो वो एल्डिहाइड सीधे किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। मतलब ये टॉप का जो मॉलिक्यूल है वो एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। इसको ग्लूकोज एसिड ना बोल के, इसको ग्लूकोज एसिड ना बोल के बच्चों आप लोग इसको नाम देंगे ग्लूकोनिक एसिड। दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया। इस ग्लूकोनिक एसिड का अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करूंगा, डबल ऑक्सीडेशन, इस बार स्ट्रॉन्ग एजेंट के साथ करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नीचे का अल्कोहल आपको दिख रहा था ना, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टॉप पे भी एसिड, नीचे भी एसिड, इसी को हम लोग सैकेरिक एसिड या ग्लूकारिक एसिड, ग्लूकोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, कई एंट्रेंस एग्जाम लाइक नीट उट में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन, वन सिंगल ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, ग्लूकारिक एसिड या सैकेरिक एसिड। ठीक, सिमिलरली ब्रोमीन वाटर प्लस H2O, ये अगेन अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रोल प्ले करता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब सिंगल वन टाइम ऑक्सीडेशन कराना है तो आपको क्या मिलने वाला है, ग्लूकोनिक एसिड। क्या मिलेगा? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ये बना हमारा ग्लूकोनिक एसिड, केवल टॉप पे COH आएगा, रेस्ट पूरे पार्ट वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको भी, और मुझे लगता है सारी बातें अब आप लोगों को सही से समझ में आ रही हैं और याद भी होते जा रही हैं। तो घबराएं नहीं कि इतने सारे रिएक्शन सर कैसे कर रहे हैं हम लोग, आराम से बस डील करते रहिए। अब आ गया टॉलेंस एजेंट, सिल्वर मिलर टेस्ट याद आ रहा ना, टॉलेंस का नाम लेते ही। तो भैया टॉलेंस एजेंट अपने आप में भी एक क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, तो वो भी ऑक्सीडेशन कराएगा और क्या बनाएगा, अगेन स्ट्रॉन्ग में तो काउंट किया जा नहीं जाता इसको, तो ये भी क्या बना फिर से, ग्लूकोनिक एसिड। ये भी क्या बना के देगा, ग्लूकोनिक एसिड। बट अगर मैं फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या टॉलेंस, ये सारे के सारे अगर मैं टेस्ट लेते जाता हूं, तो याद रखिएगा इसमें सब में क्या मिलते जाएगा, सिंगल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये लोग, क्या बना बना के दे रहे हैं, ग्लूकोनिक एसिड। टॉलेंस है तो सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा होगा, और फेलिंग सॉल्यूशन है तो ये कॉपर ऑक्साइड रहता है Cu2O, इसका रेड सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट बना रहा होगा, रेड प्रेसिपिटेट, वो CH2O को Cu2O कर लेना प्यारे बच्चों। कई बार केमिस्ट्री में जो टाइप करते हैं उससे मिस्टेक होना आम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, यही ग्लूकोज का हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा, वो कोई ग्लूकोनिक एसिड नहीं बनाएगा, क्या बना के देगा, सैकेरिक एसिड। इसी का दूसरा नाम क्या था, तो सबने तो लिखा ही था, इसका दूसरा नाम क्या था प्यारे बच्चों, ग्लूकारिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड था, ये ग्लूकारिक एसिड है। ठीक है, समझ जाना। ओके, देन रेड फास्फोरस विथ HI सॉल्यूशन, ये कैसा एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो भैया ये क्या करेगा, सारे के सारे ऑक्सीजन को बाहर करेगा, उसकी जगह हाइड्रोजन ला देगा, क्या बना देगा, एल्केन। इज दैट क्लियर? HI विथ हीटिंग के साथ भी एल्केन बना था, रेड फास्फोरस प्लस HI भी आएगा तो भी एल्केन बनाना है। यहाँ तक की बातें मुझे लगती है सबको क्लियर हो गई होंगी। कितने सारे रिएक्शन, इनफैक्ट हमने 10 प्लस तो रिएक्शन ग्लूकोज के देख ही लिए हैं। अब आपको लगता है क्या कि कभी इसके बाहर पूछ पाएगा,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जा रहे हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में आप देख पा रहे हो NaBH4 के साथ रिएक्शन करा रहा है। NaBH4 नाम लेते ही सबके दिमाग में एक बात क्लिक होना चाहिए कि ये अपने आप में सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि NaBH4 सबको रिड्यूस करने नहीं जाता, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ये ना चुन के बदला लेने वाले लोगों में से है, वैसा केमिकल है। ये केवल कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है, नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करता है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हमको पता है कि भैया यहां पर एल्डिहाइड तो है ही, ग्लूकोज के फॉर्मूले ग्लूकोज है ना, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। और अभी अभी तो आपने देखा था कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बना था, एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्कोहल। तो बस वहां पर कार्बोनिल पे जाके अटैक करेगा। नीचे कौन है, नहीं है, NaBH4 को कोई रोल कोई काम नहीं है, बस एल्डिहाइड को रिड्यूस करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। और ये कंपाउंड का नाम आप लोग याद रखेंगे, सॉर्बिटॉल। ये केवल आपके नीट और जेई में नहीं पूछा गया है, कई बड़े एग्जाम लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्जाम होते हैं उन पर भी ये सवाल आ चुका है, ठीक है। फिर है सोडियम अमलगम वाटर सॉल्यूशन के साथ, दिस आल्सो बिहेव लाइक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो भैया रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है उसको CH2H एल्कोहल में कन्वर्ट करके क्या बना रहा है, सॉर्बिटॉल बना रहा है। तो होप सो ये सारी बातें अब आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर होते चली जा रही होंगी। फिर यही ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग को फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करना है, टू मॉलिक्यूल्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आप टू मॉलिक्यूल्स ले रहे हो तो दो जगह पे आप लोग को ले जाके यहाँ का जो डबल बॉन्ड N है से जाके सीधे सीधे कंपाउंड को जोड़ देना है। ये एक्चुअल में नीचे 6 है बच्चों, C6H5 है, वो थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, मुझे लगता है आप उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज का फर्मेंटेशन प्रोसेस कराएंगे जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो याद रखेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है ना, ये क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, क्लियर है। और अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोग के साथ जेई मेंस का पूछा हुआ या एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिए कंसंट्रेटेड HCl के साथ ग्लूकोज जो रहता है वो क्या देता है, तो याद रखना है लेवोनिक एसिड देता है, जिसमें यहाँ पर आप सी डबल बॉन्ड ओ, बाकी ये पूरा का पूरा यहाँ तक CUH अलग से रहेगा, बाकी फॉर्मिक एसिड अलग निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स अलग से निकलेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी याद रखेंगे सब लोग, क्लियर। तो इतने सारे हमारे ग्लूकोज के रिएक्शन थे जो अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कंसंट्रेटेड एल्कली मतलब जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं उनके साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे, ठीक है, एल्कली मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम इनके साथ, तो पहले तो आपका जो ग्लूकोज सॉल्यूशन होगा वो येल्लो हो जाएगा, देन ब्राउन एंड फाइनली रेसिनस स्मेल देगा ना, वो स्मेल है वो, ठीक है। और डाइल्यूट एल्कली मेटल के साथ ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज में और मैनोज में, मैनोज का मैंने अभी आप लोग को स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। तो इतने सारे ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज थे प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीज़ों को आज हमने देखा कि पहले हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देख रहे हैं कितने स्लाइड हमने आज एक सिंगल क्लास में कवर अप किया है, अरे वाह ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उनके क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहले तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, उनके क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड विटामिन था, आज का हमारा टारगेट था कार्बोहाइड्रेट पे, और कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासिफाई किया उसके फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट में, देन फर्दर आपको नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर में भी क्लास में बिहाफ की डिवाइड किया गया था। रिड्यूसिंग शुगर में हमेशा याद रखना ऑल मोनोसेकेराइड, और डाइसेकेराइड से माल्टोज और लैक्टोज को लेना, बाकी सबको नॉन रिड्यूसिंग में डाल देना। फिर उसके बाद आपने ग्लूकोज उसकी प्रॉपर्टी और सारी चीज़ों को जाना। तो मुझे लगता है कि आज का ये क्लास आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना चैनल को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग ये सारे कंटेंट को रेडी रखना, ठीक है। अगला क्लास और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड होने वाला है। चलिए हैव अ ग्रेट डे।